अभी हम लोग निकल चुके हैं पताया की सड़कों पे। आज दूसरा दिन है, होली की वजह से कुछ सुनसान सा यहाँ दिखाई देता है। अपेक्षाकृत लोगों ने बताया कि भीड़ कम है, जैसा कि पता चला है कि इनका नव वर्ष है जो एक रूप में मनाया जाता है। जैसे हम लोग नया साल मनाते हैं अपने यहाँ, यहाँ से कल 12 बजे चेकआउट करने के बाद हम लोग फुकेट के लिए निकलेंगे। प्राकृतिक जो सुंदरता है यहाँ थाईलैंड की वो देखेंगे। दो रात यहाँ पे गुजारा और कल की रात उम्मीद करते हैं कि मेरा बस के सफर में गुजरेगा और परसों हम फुकेट में होंगे। चलिए ना बीच पर थोड़ा सा चलते हैं। और अभी हम इस बीच पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ समुद्री वालू, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं किसी के अंदर में। यहाँ तक कि बच्चे भी अभी तक देख सकते हैं कि खेल रहे हैं। और हालांकि अभी तक हमने स्नान हम लोग में किसी ने नहीं किया, हमारा प्रयास होगा कि सुबह में हम लोग स्नान भी यहाँ पे करें। यही है थाईलैंड का पताया, मशहूर है यहाँ के नाइट क्लबों के लिए। हालांकि नाइट क्लब में तो हम अंदर नहीं जा सके हम लोग, लेकिन बस यूं ही सड़कों गलियों से है जब हमने इसका नज़ारा लिया। बस एक चीज़ है कि यहाँ के लोग बहुत ही बिंदास हैं और बहुत ही शांति प्रिय है, सभी लोग मिलजुल के हैं। कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं अभी तक दिखा, प्रशासन भी अपनी जगह पर चुस्त दुरुस्त। एक बात और, यहाँ के सड़कों पर या यहाँ के बहुत सारे दुकान में हमने हिंदी गाने बजते सुने हैं। बैंकॉक से यहाँ पटाया आ रहा था, उस बीच में मैंने जहाँ रुका था वहाँ भी हिंदी गाने पर डांस लोग कर रहे थे सड़कों पर, और वो पानी भर भर के फेंक रहे थे और बजा रहे थे। तो बहुत सारे इंडियन यहाँ पे रहते हैं और एक इंडियन सा माहौल है जो कभी कभी दिखता है। ऐसा नहीं लगता है देखने के बाद कि हम लोग इंडिया से बाहर हैं। ना पानी तो निकलने रखता है, आओ का हमने सब नहीं वाला पानी पा लेता। कोई दिक्कत नहीं, हवा लगेगा ठंडा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे साथ यहाँ होता है या जो भी मुझे लगेगा कि जानकारी शेयर करना चाहिए आपके साथ करूँगा। रेट तो ठीक है दे रहा है, वहाँ से करेंसी चेंज कर देता अच्छा है कि यहाँ से भी करा सकते। थाईलैंड में जो करेंसी चेंज करते हैं उनसे मैंने बात किया, मैंने जब वहाँ करेंसी चेंज किया था तो दिया जा रहा था 10,000 रुपये, 4,350 रुपया वहाँ दिया गया, तो यहाँ दिया गया 4,480 रुपया। कन्वर्जन मार्जिन यहाँ पे अच्छा है, हालांकि हमें तो यहाँ नहीं खोजा गया है कि 10,000 वाट चाहिए, लेकिन ऐसा इंस्ट्रक्शन वहाँ। अगर आप इंडिविजुअल अगर अकेले आते हैं तो आपको 10,000 वाट कम से कम आप अपने साथ लाने हो। वीज़ा ऑन अराइवल जो समय के अनुसार कम या ज़्यादा होता है, कभी कभी 1,000 वाट होता है या तो कभी कभी 2,000 वाट। हालांकि अभी जब मैंने यहाँ आया था तो वीजा ऑन अराइवल बिल्कुल फ्री था। ठंडा का जो सीज़न होता है वो बेहतर है यहाँ के लिए, और दिसंबर जनवरी और फरवरी ठंड नहीं होती है, लेकिन मौसम इतनी गर्मी नहीं होती। कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर अगला ट्रिप मुझे करना चाहिए तो किस देश में हमको जाना चाहिए। इस चैनल से संबंधित अगर कुछ जानकारी देना चाहते हैं या कुछ सजेशन है या कोई शिकायत है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, या कुछ पूछना चाहते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक जरूर करें।